जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये सेशन है हमने जो स्टूडेंट ने सवाल किए थे उसको जवाब देने का। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये था कि आप जो है वो क्लाइंट आपसे पोर्टफोलियो मांगता है। ठीक है, मुझे तो आज तक किसी क्लाइंट ने नहीं कहा। मैं डील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यूके का भी क्लाइंट है, यूएसए का भी क्लाइंट है। ठीक है, तो मुझे किसी ने भी नहीं कहा पोर्टफोलियो। ठीक है, और पोर्टफोलियो जो है वो आप खुद बनाते हैं। ठीक है, जी सॉरी। अच्छा जी, हाँ मुझे तो आज किसी ने भी आज तक किसी ने नहीं कहा था भाई अपना पोर्टफोलियो देना। देखिए, कन्वर्सेशन के कुसूल होते हैं। ठीक है, जब आपके पास कोई चीज होती है ना तो आप थोड़ा सा अकड़ के बात करते हैं। ठीक है, फिर आप कोई आप वो उस अगले की मिन्नत ही नहीं कर रहे होते। हाँ, अपना पैगाम जरूर आप पहुंचा रहे होते हैं ना। मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट से जब आपकी डीलिंग हो रही होती है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि किस तरह आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, अब पोर्टफोलियो क्या है? बेसिकली पोर्टफोलियो यही है, आप दिखाते हैं कि मैंने क्या काम किया है। आप सबूत देते हैं, जनाब मेरा ये काम है। ठीक है, वाइल आपकी ये एक्सेल शीट पे बनी हुई हो। ठीक है, ये मैंने अपने यूके क्लाइंट के लिए फर्स्ट फर्स्ट जो मेरी आप लोगों को भी दिखाया था, ये मैंने पोर्टफोलियो ये बनाया था उसके लिए, मतलब बनाने जा रहा था उसको। ठीक है, ये यहाँ पर देखें, ये सारा डेटा मैंने उसके लिए कलेक्ट किया। ठीक है, ये सारा कौन न्यू क्लाइंट जो भी आएगा ना, मैं उसको सिंपल यहाँ पे कौन आऊंगा। ठीक है, इसी उस पे। ठीक है, मैं उसको बोलूंगा सर ये देखें, मैं अपने यूके वाले क्लाइंट के लिए इस तरह से मैं उसको काम देता हूँ, ये प्रोडक्ट नाम है। ठीक है, यहाँ पर उसको मैं अलाउ करता हूँ अपना माइक अच्छी बंद। जी एक सेकेंड मैडम को, मैडम आप अनम्यूट हो जाए। हाँ जी, हो गई। जी, तो क्लाइंट को मैं सबसे पहले यहाँ ले आता हूँ। मैं कहता हूँ सर ये मैं यूके वाली मेरे जो क्लाइंट है उनके लिए मैं इस तरह से काम करता हूँ। ठीक है, ये पहली प्रोडक्ट मैंने ढूंढ के रखी है, उसकी A to Z, अमेजोन का लिंक, उसके स्टेट्स। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाए, हम इसको ओपन करें, उसके सारे स्टेट्स जो है मैंने यहाँ पे शो करवाए हुए। ठीक है, ये क्या है, ये सारे स्टेट्स क्या है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। ठीक है, मैं अगले को दिखा सकता हूँ कि जनाब मैंने ये काम किया है। अगर किसी को मैं, खैर ये वाली तो मैं नहीं भेज सकता क्योंकि इसमें कोई वजाहत नहीं हुई हुई है। ठीक है, वजाहत में यहाँ आकर उसको करूंगा। ठीक है, इस चीज को आपका काम जो है ये आपका बेसिकली पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, अब ये आप एक्सेल शीट पे बनाएं, ठीक है, या आप इसको कैनवा पे ले जाएं। ठीक है, अरे अंडरस्टैंड हो रही है, अपना ये ब्लॉगर पे बनाएं। ठीक है, या आपका आप फेसबुक के पेज अपने अपना बनाएं। ठीक है, उस पे आप रखें, या आप जो है वो इस तरह ये गूगल की जो है वो साइट है उस पे जाके बनाए, मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, आप जो है इसको लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाए। ठीक है, आप माशाल्लाह बच्चे तो नहीं है, बड़े हैं सब। ठीक है, YouTube पे दुनिया भर की चीजें पड़ी हैं। ठीक है, जो आपने करना है आपको वहां मिलेगा, हर चीज मिलेगी। ठीक है, असल जो कहानी थी वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके पास क्या नॉलेज है, आपको उसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस तरह प्लीज आप अपने ऊपर रहम करें, और खुद पे भरोसा करें सबसे पहले। जी
अपने लिए जो है वो राहें आप खुद तलाश करें, ना कि कोई उंगली से पकड़ के, हमें कोई नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आके आप लिख दे कि माय ठीक है, कुछ भी कर दें, कोई इशू नहीं, जो भी आपको समझ में आता है ये कर लें। वी ठीक यहाँ के आप वो जो आपकी आपने काम किया हुआ है, ठीक है, काम किया हुआ होगा तो आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ लगा के आपको जाए जो हमने असाइनमेंट्स दी थी वो बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाई गई है कि जैसे आपने क्लाइंट को डील करना है, आप उसको सबूत के तौर पे अपनी हंट की हुई प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, ठीक है, कि ये हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकाली है, ये इसके स्टैट्स हैं, ये इतना इसमें प्रॉफिट है, इतना इसमें लॉस है, इसलिए हम इसको, मतलब उनको प्रॉपर तरीके से आप समझाएं, उन्हें पता होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। जूम मीटिंग एक जरूर रखें, ठीक है, और हर चीज उनको गाइड करें, यही आपका पोर्टफोलियो है। देखें, ये YouTube पे पढ़ा हुआ है किस तरह बनाते हैं, ठीक है, प्लीज इसका ट्यूटोरियल पढ़ा हुआ है, आप जाएं जाके सीखें वहां से, ठीक है, ये किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। जो भी आपको ये फ्री में आपको बना के दे देगा, अगर इसके पास होगी तो पब्लिश करें इस, आपको इस तरह की मिल जाएगी ये, जो जैसा आप बनाएंगे इसको उठा के यहाँ से कॉपी भेज दें, उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ से करें, आपके लिंक्डइन अकाउंट में आप चले जाएं, वहां जाके आप अपने लिए पेस्ट करें, ठीक है। मुझे मिले, मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मुझे क्लाइंट मिलते हैं, लिंक्डइन से मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, कोई मसला नहीं है। पोर्टफोलियो का सिंपल मकसद ये है, आपकी सीवी रेज्यूमे, ठीक है। रेज्यूमे में ये होता है, आप शायद आपको पता नहीं है, मैंने तो अपनी लाइफ में बनाई है बहुत ज्यादा, वहां आप रेफरेंस नंबर भी देते हैं, जहां आप काम करते हैं ना वहां आप अपना कंपनी का, प्रीवियस कंपनी का एचआर मैनेजर का नंबर देते हैं, ठीक है, वो आपका पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। ये देखिए मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं आपको, लोग आपको करते हैं मैसेजेस, करते हैं, क्यों नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, ये कैसे किया है इन्होंने, प्रोफाइल आप देखें, ठीक है, ये क्या है, ये पोर्टफोलियो है ना, और क्या है, कुछ नहीं, अपनी प्रोफाइल बनाया है, सिंपल सिंपल इज दैट, ठीक है। आप उसको बताएं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, पोस्ट किया करें अपनी रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। जिस तरह आपका ये लिंक्डइन का, ये जरा प्रोफेशनल है, ठीक है, यहाँ पर जब आप एक्सपर्ट लेवल पे आ जाए फिर आप यहाँ पर आ जाइएगा, कोई इशू नहीं। आपके पास फेसबुक है, मेरे पास यूके की क्लाइंट जो है वो फेसबुक का क्लाइंट है, फेसबुक से ही आया, और उसको मैंने खुद अप्रोच किया था, ठीक है, मैंने खुद अप्रोच किया ऐसे ही, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई नहीं, मैंने उसको अप्रोच किया, ठीक है। यहाँ पर डेली पोस्ट आप करें अपने लिए, अपना कनेक्शन बढ़ाएं, ठीक है। इसका भी टोटल ट्यूटोरियल आपको उस पर पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। इसी तरह आपका फेसबुक हो गया, हमने आपको बताया भी था किस तरह आप जाके क्लाइंट कौन कौन से वो हैं अपना ग्रुप से, वहां जाए आप कोशिश करें, सबसे पहला कमेंट आपका जाना चाहिए, कस्टमर आए उसने पोस्ट की, कोई क्वेरी पोस्ट की, सबसे पहले आपका मैसेज जाना चाहिए, सर प्लीज चेक योर इनबॉक्स, ठीक है, वहां पर आप फटाफट उसको लिख दे कि आई एम बीए, हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है, अगर उसको जरूरत होगी वो आपसे बात करेगा, ठीक है। अच्छा, उसने बात कर ली आपसे, जी बिल्कुल, आप बताएं मुझे, आप उसको कहें सर इट इज बेटर दैट आई एम जस्ट टाइपिंग हियर एंड टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट अमेजोन, उससे बेहतर है हम जो है वो एक जूम का मीटिंग कर रख लेते हैं, आपको जब टाइम मिले आप मुझे बताएं, हम जूम का सेशन रख लेते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने माशाल्लाह काम किया हुआ है, ठीक है, आपके पास पोर्टफोलियो बना हुआ है, ठीक है, आप उसको जूम पे बुलाएं, जूम की मीटिंग के बाद आप उसको सीधा यहाँ ले आए,
ठीक है, आपने जो काम किया हुआ है इस पेज को खोले, आपका जो काम किया हुआ है ठीक है, आप उसको बताएं, जनाब देखें मैंने ये ऑलरेडी प्रोडक्ट निकाली हुई है, ठीक है मेरा क्लाइंट आता है मैं उसको यहाँ आके दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात, आपने सच बोलना है, कभी भी अगर आपके हाँ पास क्लाइंट नहीं है तो आप नहीं उसको बोलेंगे मेरे मैं क्लाइंट डील करता हूँ, ठीक है। हाँ एक बात है जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो क्या, एक तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ऊपर से आपको नॉलेज भी पूरी नहीं है, फिर ये बात आपकी गलती है, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास 110% नॉलेज होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है, गलत गाइड नहीं करना, क्योंकि क्योंकि आजकल का क्लाइंट, आजकल के जो अगला बंदा बिजनेस कर रहा है भाई, अमेजोन पे बिजनेस करने आ रहा है, आपसे, आप जैसे वो 10 बंदों से मिलके आ चुका है, उसको, बड़े हाँ तेज हैं क्लाइंट्स भी। जी, वो आपके पास ब्रेक क्यों लगा है, क्यों लगा है, उसने अपना, अगर आपको आधा घंटा दिया है, 20 मिनट दिए है, 1 घंटा दिया है, उसकी बहुत मेहरबानी है आपके ऊपर, ठीक है। अब आपका काम है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें अपने आप को, ठीक है, बताएं कि व्हाई यू हैव टू स्टॉप एट मी, क्यों आपको मुझ पे बिलीव करना चाहिए, उसको बताएं, ठीक है। यहाँ ले आए, उसको बताएं सर सीरियल नंबर, ये देखें फर्स्ट सीरियल नंबर था, प्रोडक्ट नाम था, ठीक है, मैंने यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ये एक्सेल की शीट जो है मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर देता हूँ, मैं जैसे जैसे इस पे अपडेट करता जाता हूँ ऑटोमेटिकली उसके साथ मुझे कनेक्शन में आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो कहीं पे भी बैठा हो अपनी जीमेल खोलेगा और उसको ये मेरा काम दिखेगा। अच्छा, यहाँ मैंने लिंक लगा दिया अमेजोन का, यहाँ मैंने स्टेट्स बना दिए, सर ये देखिए मैं स्टेट्स किस तरह बनाता हूँ, ये एक्यूरेट सर स्टेट्स, क्यों, क्योंकि बिलीव, मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि सर ये जो मैंने आगे जाके इसकी कैलकुलेशन की है ना, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ के देखे, अब ये मेहनत है, ठीक है, अगला बंदा देख रहा है यार नहीं बंदे ने मेहनत की है, ठीक है। स्टेट्स, स्टेट्स किस किस चीज के, हीलियम 10 का लगा दिया, किस चीज का लगाया है, ये लगाया है मैंने अपना, ये क्या है, स्टॉक का लगाया है कि कितनी इसके पास स्टॉक्स है, ठीक है, हमारे जो कॉम्पिटिटर के पास है, ये देखें मंथली सेल के लिए मैंने इसको बता दिया कि इतनी इतनी इसकी मंथली सेल है, रेवेन्यू इसको मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है, इसको खोलता जाएगा वो देखता जाएगा आराम से, ठीक है। कीपा के ग्राफ लगा दिए। और आप, सेम ये प्रोसेस आपने सीखा हुआ है। हाँ, और आपने ये कस्टमर अपने जो न्यू क्लाइंट आता है उसको दिखाना है, सर देखे कि ये मेरा क्लाइंट यहाँ पर आएगा, ये देखेगा इस तरह कि इसके क्या स्टेट्स है, ठीक है, ठीक है, मैं आप उसको ये भी बोल रहे सर आगे जाके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप जरा रुकिए कि मेरा काम करने का अंदाज देखिए, आप वो उसको यूं बोले, ठीक है, आपका हीलियम 10 का ग्राफ हो गया, फिर आप इस हीलियम अपना कीपा का आप उसको रियलाइज करवाए कि सर ये हम जो है अपना डिसीजन जो है वो कीपा के ग्राफ पे लेते हैं होलसेल के लिए, ठीक है, उसको आप बताएं कि आपको भी पता है कि क्या, क्योंकि उसको आपसे पहले भी पता है, ये नहीं है कि उसको नहीं पता, आपसे पहले पता है, ठीक है, आप उसको वो करेंगे तो उसको लगेगा हाँ यार इसको काम आता है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने दिखा दिया उसको, ठीक है, ये सारी चीजें आराम से उसको तसल्ली से दिखाए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, वो ये सोच रहा है कि आप उसको फ्री में टाइम दे रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा एहसान करें, कोई बात नहीं, नॉलेज शेयर होती है कर देंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है, अल्लाह आपको देगा, बहुत देगा। उसको दिखाया सर ये देखे, वो ब्रांड था, ठीक है, अमेजोन का लिंक था, ये मैंने यहाँ पर उसका अपना प्रोडक्ट की जो है वो वेबसाइट है, ब्रांड का है, उसका डायरेक्ट लिंक मैंने यहाँ पर मैं दे देता हूँ अपने क्लाइंट को, वो खुद भी इसको देख सकता है कि ये कहाँ का ब्रांड है, किस तरह का ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद पहला डिस्ट्रीब्यूटर सर मैं उसको अपने क्लाइंट को ढूंढ लेता हूँ, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लेता हूँ, अगर तीसरे की कोशिश कर रहा हो तो मैं यह लिख लेता हूँ कि आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। फिर उसके अलावा मैं, पहले ही मुझे पता है कि कितने मेरे कॉम्पिटिटर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया और वहां पे मैंने बताया भी था, प्रूफ के साथ दिखाया था कि कितने हमारे कॉम्पिटिटर हैं, दो कॉम्पिटिटर थे, ठीक है, इसमें से भी देख सकते हैं ओवर साइड ऑन में, ठीक है, ये देखें दो, ये प्रूफ, ठीक है, और यहां पर मैंने ये लिख लिया, उसको बताएं ऐसे आप दिखाएं यहाँ पे से, ठीक है,
और सर सेलर जो है वो टाइप जो है MFN है, ठीक है, अमेजोन ब्रांड डोमिनेशन नहीं है, अमेजोन डोमिनेशन इसमें भी नहीं है, BSR इसका करंट ये है, ठीक है, मंथली सेल्स ये है, रेटिंग ये है सर, रिव्यूज काउंट ये है। अच्छा, फिर आप इसको एक्सप्लेन करते जाएं कि सर क्यों ये जो है वो सेलर मैं 2 काउंट कर रहा हूँ, हालांकि थे इसमें 15, मैं इसको 2 क्यों काउंट कर रहा हूँ, फिर आप उसको एक्सप्लेन करें, सर मैं इसीलिए उसको 2 काउंट कर रहा हूँ क्योंकि 2 FBA कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं उसको अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ, क्योंकि जब ब्लैक फ्राइडे आता है या कोई ऐसी बड़ी डील आती है तो अमेजोन जो है अपने प्राइम कस्टमर को, प्राइम कस्टमर बेसिकली क्या है, एक सब्सक्रिप्शन है जो कि अमेजोन अपने क्लाइंट को देता है, ठीक है, और उसके पास वो रेशो बहुत ज्यादा है उस चीज का, तो इस तरह आप उसको एक्सप्लेन करें, आप उसको बताएं कि कितनी नॉलेज आपके पास है, आप क्यों कह रहे हैं कि वो ये एबीए वाले ही आपके कॉम्पिटिटर हैं जबकि MFN कर रहा है या वो ABM कर रहा है वो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है, आप उसको बताएं, एक्सप्लेन करें, ठीक है, फिर बताएं कि सर अमेजोन डोमिनेशन क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ब्रांड डोमिनेट क्यों नहीं होना चाहिए, ये आप उसको एक्सप्लेन करें कि वजह ये है कि अमेजोन अगर होगा तो हम उसको कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे सर, और ब्रांड अगर होगा तो वो तो हमें आगे आने ही नहीं देगा, क्योंकि वो ब्रांड बना भी खुद रहा है, बेच भी खुद रहा है, तो सर ऐसी प्रोडक्ट में हम जाते ही नहीं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट लेकर आए जिसमें ना अमेजोन हो ना वो, अगर अमेजोन फॉर एग्जाम्पल हो तो करंटली आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है, कम से कम 70% आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है, अगर 3 महीने की बात की जाए तो, फिर आप उसको बताएं सर ये BSR, BSR बेसिकली क्या होता है सर, BSR ये होता है कि आपकी बेस्ट रैंकिंग होती है, ये अमेजोन की तरफ से आपको मिलता है, बैच मिलता है, आपकी जितनी ज्यादा सेल्स होती है उसको आप गाइड करें, बताएं देखें वो अपना कितना पैसा आपके साथ लगाने जा रहा है, ठीक है, अगर उसको पता ही नहीं है कि ये बंदा क्या है तो वो किस तरह आपसे डील करेगा, नहीं करेगा आपके साथ डील, ठीक है, ये एक एक पॉइंट इस तरह नहीं है, आसान नहीं है ये, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना होता है, मैडम गवाह है, हम लोग करते हैं मीटिंग साथ, मैडम कितने घंटों की मीटिंग हो जाती है, मैडम आप हमारे साथ हैं, रेटिंग का बताएं कि सर रेटिंग इतनी क्यों होती है, क्यों चाहिए, मंथली सेल क्यों हम इतनी ज्यादा देख रहे हैं, कम नहीं देखनी चाहिए हमें, ठीक है, ओके मैडम अनम्यूट में कर देता हूँ, जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रही थी कि आपके पास नॉलेज जब होगा ना, आपकी वो कह ले कमेंट्री स्टार्ट हो जाएगी, वो कहेगा भाई चुप हो जा ना बोल, बस मुझे सब समझ आ गई, ठीक है। अगर एक ऐसा बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है मीटिंग का, वो बोलेगा हाँ जी बताएं, बस बताएं बता के आप लोग चुप हो जाएंगे, वो आपका मुंह देखेगा आप उसका मुंह देखेंगे। तो ये नॉलेज जैसे सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम लोग मिलकर अपने क्लाइंट को ऐसे ही गाइड करते हैं, और वो हमारे बाद कहीं और जाके मीटिंग करना पसंद ही नहीं करता सवाल ही हमारे नहीं पास पैदा अगर। होता, सवाल ही उसको नॉलेज, उसको पता है ये बंदा नॉलेजेबल है, उसको पता है A to Z पता है, ठीक है, अब ये देखें अभी तो मैं आपको ओरिजिनल पिक्चर अभी दिखा नहीं रहा, 1 मिनट में दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये वाली ये देखिए, अब उस बंदे का दिल खुश होगा नहीं होगा, ये इतनी फिर सारी कलर्स भर मेहनत दिए, देख के की हुई खुश है, हो जाएगा। हाँ इतनी सारी मेहनत की हुई है तो वो देखेगा ना, और उसको एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सर ये देखें हम नंबर लगाते हैं, हम इसे करते हैं, मॉडल नंबर देते हैं, हम ये करते हैं, हम कॉम्पिटिटर की सारी चीजें लगाते हैं, हम हमें पता होता है कि इसकी मंथली सेल क्या है, क्योंकि इतनी होनी चाहिए इतनी नहीं होनी चाहिए, हम इसको डिवाइड करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन बैठ के हम बनाते हैं कि सर कैलकुलेशन में देखें कॉस्ट प्राइस इसकी इतने की है और यूनिट हम इतने मंगवाते हैं, ट्रैक कॉस्ट इतने की होती है, UPS कॉस्ट क्या होती है वो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट बताते हैं, ये सारी चीजें आप जब बनाते हैं बताते हैं ना, ये आपका पोर्टफोलियो है, काम दिखना चाहिए, काम दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं तो वो कहाँ से आएगा, वो तो भाग जाएगा, वो बोलेगा भाई ये क्या बंदा है पता है इसको कुछ नहीं है और मुझे मेरा ये बिजनेस संभालेगा, नहीं संभाल सकते आप, ठीक है, हाँ अभी आप जो है आप अपना एक खुद का कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी सर्विसेज आप बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें आप
जितनी वैल्यू ऐड करेंगे ना उतने आप कीमती होंगे, ठीक है। वैल्यू कैसे ऐड होगी, दूसरे लोग भी उनसे मुलाकात करते होंगे, 100% करते होंगे, वो कहते होंगे सर आप टेंशन ना लें, भाई है ना, भाई सब कर संभाल लेगा। और बोलेगा सही है भाई, हाँ जी, हाँ बोलेगा सही है, फिर दोबारा मतलब जितने हम हैं उसे आएगा ही। हम डबल ट्रिपल बढ़ के बताते हैं। अच्छा, ये यूके वाली जो क्लाइंट थी, ठीक है, इन्होंने हमें एक से दो प्रोडक्ट्स बोली थी, और सर जरा आप दिखाएं इन्हें हमने कितनी प्रोडक्ट्स निकाल के दिए। वो बंदी पे परेशान हो गई है कि ये इतना काम करते हैं और ये एक दिन में नहीं निकली हैं प्रोडक्ट्स। हाँ बहुत सारी रातें जाग के ये एक विनिंग प्रोडक्ट मिलती है जाके, जिसका सही में डिस्ट्रीब्यूटर भी मैच हो गया, सही वाला ब्रांड भी मिल गया। ठीक है, उसने एक दो प्रोडक्ट्स का बोला था, हमने इतनी सारी उसको हंट करके दे दी कि इसमें से जो आपके बजट को मीट करे आप उसको सिलेक्ट करें। ये होता है काम, एक्स्ट्रा काम करके दिखाएं। ये देखें, आईकिया हमारा एक ब्रांड था, क्लाइंट कह रही थी उसके लिए जो आईकिया का बताओ, कोई मसला नहीं, मैंने पूरा एक दिन बैठा, ये देखें आईकिया को मैंने कंप्लीट स्टडी करके उसको सबूत के साथ मैंने दिखाया। मैंने कहा मैडम ये देखें आईकिया जो है वो, एक मिनट दिखाता हूँ, उसको बता दिया कि आजकल आईकिया में जाना फजूल है, एक मिनट और ये उनकी चॉइस थी, उन्होंने कहा था कि मैं आईकिया बिल्कुल। में काम मतलब प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ। जब स्टैट्स उनको कैलकुलेट करके सबूत के साथ दिए, फिर वो पीछे हट गए कि नहीं जाना आईकिया में। ये पूरा आईकिया का ब्रांड मैंने बता दिया कि आजकल उसके सेल ही अच्छी नहीं, अब देखें नीचे जाते जाओ तो वो है, एंड तक देखो तो वो छह सौ और सर समथिंग जी। ये लोग ये चीज देख के समझ गए होंगे, जो वेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास में इनको असाइनमेंट मिली थी ना कि आप लोगों ने इस तरीके से निकालनी, ये वो असाइनमेंट है। समझ आ रहा है आप लोगों को ये क्या वही हमने सेम निकाला हुआ वही इस टाइम? बिल्कुल टूल में हमने जाके आईकिया का ये नाम लिखा था, उसके बाद फिर जो रिजल्ट आए हमने वो उनको दिखाए हैं कि ये देखें इस तरह से है। अच्छा, ये एक क्लाइंट के लिए तो हमने कर ली मेहनत, ठीक है। अब जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, हम उनको ये दिखाते हैं कि जी देखें हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनके लिए इस तरीके से काम करते हैं। देखें मेहनत वो जो आपने एक बार कर ली, पोर्टफोलियो वो जो आपका मेंटेन हो गया, मजीद इसमें गया। वैल्यू ऐड होती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने अब करना यही होता है अपना। मैं आप लोगों के साथ कर रहा था, बता रहा था, समझा रहा था, प्रैक्टिस करवा रहा था कि आपके पास ये सारी चीजें हो जाएंगी। आप लोग अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं इस चीज को, सर ये देखें मैं कर रहा हूं, अब वो थोड़ी देखेगा कि भाई ये तो आपका असाइनमेंट है। और उस क्लाइंट ने हमें ये बोला कि मैं जिस भी वीए को अपना काम देती हूँ वो एक एक दो दो महीने तक प्रोडक्ट मुझे देते ही नहीं है, तो मैं बिजनेस कब शुरू करूंगी। और हमने 4 दिन के अंदर अंदर उनको ये दी है और उनकी अगली प्रोडक्ट्स लाइव भी हो गई है। ये होता है काम, इस तरीके से आप लोग पड़ जाया करें काम के पीछे। एक दिन में ये काम नहीं होने वाले, ठीक है। और हम लोगों को तलाश थी टीम वर्क की, तो टीम वर्क तो तभी होता है ना जब आपकी आपस में बॉन्डिंग होती है, जब आप लोग नेगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव वे में आप लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फिलहाल तो मेरी और सर की टीम है, अभी तक कोई स्टूडेंट हमें हमारी टीम को ज्वाइन नहीं कर पाया। अच्छा खैर, बाकी जो क्वेश्चंस थे आपके, वैसे हम आप लोगों को वैसे भी पढ़ा चुके हैं वो जितने भी क्वेश्चन आपने किए, लेकिन दोबारा मैं जो है वो कर देता हूँ। पहली बात आपका एक क्वेश्चन था कि एलएलसी, देखें जो क्लाइंट आता है ना वो ऑलरेडी एलएलसी एलटीडी वो रजिस्टर करवा के आएगा, ठीक है, आपको इस चीज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखें क्या वजूहत है, वजूहत ये हैं कि बगैर रजिस्टर एजेंट के आप और मैं खुद को भी ये कंसिडर नहीं करता हूं कि मैं यूएसए के या यूके के प्रॉपर एक्यूरेट आपको वो लॉज बता सकता हूं, नहीं भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं, ठीक है, ना ही मैं वो आपको एक्यूरेट बता सकता हूँ क्योंकि मेरे वो फील्ड ही नहीं है, अकाउंटेंट की मेरी फील्ड ही नहीं है, मैं क्यों उसको, हाँ ठीक है थोड़ी बहुत जो नॉलेज है बस वो आपसे शेयर कर दी, और मैं एज अ वीए मेरा काम भी नहीं है, ठीक है, जो काम है वो एक अलग उसकी वो है फील्ड है, ठीक है, एलएलसी करवाते हैं, फाइवर पे बैठे हुए वो रजिस्टर करवा के देते, ये क्लाइंट एनुअल का फीस खुद का लेते हैं। हेडेक है, आपका कोई हेडेक नहीं, ठीक है।
अभी हमारे पास एक यूएसए वाला क्लाइंट आया हुआ, उसने कहा है जी मुझे एलएलसी रजिस्टर में करवा के फौरन आपके पास आता हूँ। मैंने कहा आप जहां से मर्जी करवाओ, मुझे टेंशन नहीं है, मेरा काम हाँ मैंने आपको जी दिखा दिया कि मेरा काम ये, मैं किस तरह से चलता हूँ, समझ में आया तो आ जाना, नहीं आया तो अल्लाह खैर सल्ला, कोई आपके लिए ये क्लाइंट की ही जिम्मेदारी होती है एलएलसी रजिस्टर करवाना। ठीक है। हमें ब्रांड अप्रूवल हमें करवाने की जरूरत नहीं है, पहली बात, ठीक है। अच्छा जी, सर अगर फॉर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, था अच्छा जी, मैं आप इसको कंप्लीट करें। थोड़ा सा, मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने कहा ब्रांड अप्रूवल हमें करवाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं था, ये था मेरा कहने का मकसद कि जो बिजनेस जीमेल एड्रेस है ना, वो क्लाइंट आपको देगा, ठीक है, क्लाइंट आपको खुद देगा डोमेन के नाम से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी जीमेल आईडी होती है, वो एक सर्टन डोमेन नेम होता है उनकी कंपनी का, जिसपे वेबसाइट बनी हुई होती है, ठीक है, उसी से ही उनको जो है वो जीमेल एड्रेस मिलता है, वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, फिर आप उसके ऊपर बैरत कर सकते हैं, आप उसको जो है वो ईमेल लिख के, सिर्फ आप लिख सकते हैं उसको, मजीद ईमेल कर सकते हैं, लेकिन जीमेल आपको क्रिएट करना, क्योंकि आप हर कंपनी की आप खुद तो नहीं करेंगे ना, नहीं बैठ के बनाएंगे ना, ठीक है, और ऑलरेडी अगर आप अप्रूवल लेके बैठेंगे तो ये तो कंपनी वाले ब्रांड वाले जानते हैं भाई, ये तो आपको अप्रूवल मिली हुई है ना, नए बंदे को वो थोड़ी वो अलाउ करेंगे, ठीक है, नए बंदों को फिर अलग से वो वेबसाइट चाहिए होते हैं, हर चीज अलग से होती है, ठीक है, आप पहले ब्रांड से अप्रूवल लेके रख ही नहीं सकते, रखेंगे तो किस तरह करेंगे, वो तो उसने तो आपको थोड़ी हो, उसने तो अगर आपको अप्रूवल भी दिया तो आपके नाम पे दिया है, आपकी कंपनी के नाम पे दिया है, अब आप जब जो दूसरे क्लाइंट को देंगे या किसी और को देंगे तो उसकी तो अपना वेबसाइट भी दूसरी है, जीमेल आईडी भी दूसरी है, उसकी एलएलसी या एलटीडी वो भी दूसरी है, सारी चीजें दूसरी है, वो और तो वो क्लाइंट वेबसाइट कैसे देखते करेगा। हुए ही ब्रांड अप्रूवल देते हैं। वेबसाइट अच्छी होगी उस हिसाब से मिलेगा ब्रांड अप्रूवल। जी हाँ, वेबसाइट किस तरह की, आप ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं अपनी अपने क्लाइंट के साथ कि सर वेबसाइट आप ऐसी बनाएं जो ई कॉमर्स रिप्रेजेंट करें, ई कॉमर्स मतलब खरीदो फरोख्त होती हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे लेवल पे बात करें तो आप कहते हैं सर जिस तरह ओएलएक्स बनी हुई है, इस तरह बोल दें, ठीक है सर जिस तरह अमेजोन खुद बनी हुई है, वो बोलेगा यार इतनी बड़ी, बोलो बड़ी तो वो अब हुई है ना, बड़ी तो वो अब हुई है, लेकिन उसका इंटरफेस तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि आप अपनी प्रोडक्ट लगा सकें, प्रोडक्ट की प्राइस कर सकें, ठीक है, एडिटेबल हो, ठीक है, ये सारी चीजें हों उसके अंदर, ठीक है, और मजीद आप एक ही नीश पे बनाएं एक ही वेबसाइट, ना कि उसके अंदर जनरल आइटम भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, फिर अप्रूवल कब मिलेगी ये अल्लाह बेहतर जानता है, या वो ब्रांड वाला जानता है भाई, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था कि कीवर्ड छुपाना चाहिए या दिखाना चाहिए। देखिए जो फर्स्ट बैच है वो अच्छे से इस चीज को समझता है, जो न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं अभी वो इस प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, अभी वो प्रैक्टिसिंग में हैं। इसका सिंपल ये है कि जो एक विनिंग प्रोडक्ट होती है ना, ठीक है, उसका जो मेन कीवर्ड होता है वो हमने हमेशा हाइड रखना होता है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मुझे पीएल के लिए प्रोडक्ट चाहिए, आप उसके साथ सिर्फ स्टैट्स अपने शेयर करेंगे। जो जो चीजें हाइड करनी होती है वो फर्स्ट बैच को पता है, ठीक है, सेकेंड को अभी बतानी है, तो बस वो कुछ चीजें हैं वो हाइड करने के बाद आप सिर्फ उसके साथ स्टैट्स शेयर करेंगे, देन उसके बाद आप उसके साथ रेट डन करेंगे, जब वो पैसे दे देगा देन उसके बाद आप लोग उसको कीवर्ड देंगे। ठीक है। ये इसका तरीका होता है पीएल की अच्छा प्रोडक्ट का। जी, ब्लॉगर जो है वो एक रीडेबल चीज है, ठीक है, ब्लॉगर जो है आप उसको वो नहीं कर सकते, ठीक है, उसके ऊपर आप वो एड टू कार्ट नहीं करेंगे, अगर कोई बंदा आपसे परचेज करेगा तो वो पेपाल कैसे एक्सेप्ट करेगा, आपकी वेबसाइट से पेपाल एक्सेप्ट करेगी नहीं, ठीक है, पायनियर भी नहीं करेगी, ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर वेबसाइट ही चाहिए होती है, और उसमें आप एक वो प्लगइन होता है वो भी उसके वेबसाइट में करते हैं, ऐड करवाते हैं, ताकि कोई भी क्लाइंट आपका आपसे परचेस करेगा तो ऐड टू कार्ड करेगा, ठीक है, और वो बाकायदा आपके अकाउंट में पेमेंट आनी चाहिए, ऐसी वेबसाइट हो, डमी ना हो, ठीक है, आप तो ये बात करें, मेरे पास तो ऐसे तरीका है, आप मुझे कोई भी वेबसाइट दें, मैं आपको एक मिनट में इसकी रिपोर्ट निकाल के दिखाता हूँ कि इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आई है,
ये अभी बनाई गई है या ये पहले से बनाई गई है, या इसके ऊपर क्या इसकी वो खरीदो फरोख्त है, तो डमी की तरफ या फ्री वाली चीजों की तरफ बिल्कुल भी कोई भी ना जाए, खास तौर पे होलसेल के लिए ना। को किसी कस्टमर को आप जो है वो रिकमेंडेड करेंगे, आप कहिए उसके लिए एक बेवकूफाना जो है ना वो मशवरा होगा, ठीक है, तो आप उसको बोले नहीं सर प्रॉपर एक वो होनी चाहिए जो वेबसाइट होती है जिसका डोमेन खरीदा जाएगा, जिसकी होस्टिंग खरीदी जाएगी, ठीक है, जिसमें जिसका आप जो है जीमेल एड्रेस जो है वो उसको भी आप डोमेन के साथ आप खरीदेंगे, अगर उसकी पेमेंट करनी पड़ती तो पेमेंट करेंगे, अदरवाइज उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ्री के आइडियाज हैं, वो भी 1 साल आधे साल के लिए है, फिर तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उस चीज की, ठीक है। अच्छा और क्या सवाल थे? मैडम क्या आपको याद सर सोच रही हूँ, है? बच्चे भी ज्वाइन किए हुए हैं, अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो उसको काइंडली रिपीट कर दें, और कुछ लोगों ने अभी आई थिंक ज्वाइन किया, अगर इनका भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मुझे याद आ रहा है उसका क्वेश्चन था फाइबर का। फाइबर हाँ के लिए मैंने आपको 12 दफा कहा है कि देखें यूट्यूब पे हर चीज पड़ी हुई है, ठीक है, हर चीज दुनिया भर की हर चीज पड़ी हुई है, अब उसको सर्च करें, बच्चे नहीं है आपको आपको हाथ से लेके मैं चलाऊं कि ये कर दे वो कर ले, ठीक है, उसके लिए आपको रिव्यूज चाहिए, जो मर्जी आप करें, एक फाइबर तो नहीं है अपवर्क भी है आपका, मैंने आपको कितने सारी चीजें गिनवा दी, ठीक है, क्लाइंट आपके शुरू शुरू में एक दो भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, पहले आप दूसरी चीजें करें। मेरे सब क्वेरीज हो गए हैं, जबरदस्त, ठीक है, देखें आपका जब तक मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, जब तक आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते ना आप अपना कारोबार नहीं चमका पाएंगे, ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, जब तक आपको अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी आप नहीं बेच पाएंगे, आप वीए का भी काम नहीं बेच पाएंगे, ठीक है, जी, 1 मिनट रह गया मैं दूसरा लिंक देता हूँ। फाइवर के लिए सर इधर कंप्लीट कर लेते हैं जी के कीवर्ड्स जब आप लोग सही वर्किंग करके उधर सही से ऐड कर देते हैं ना, फिर आपको गिग रैंक करने के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ते। नॉर्मली अब ये तरीका चल रहा है कि 20-20 हज़ार लेके उसको कहते हैं कि हम गिग रैंक कर देंगे आपकी, तो वो तो ठीक है। मोस्टली ऐसे भी हैं जो लोग फर्स्ट पेज पे आने के बाद भी ऑर्डर रिसीव नहीं कर पा रहे, तो आप वो कह लें कि कीवर्ड्स जब आप सही वाले डालते हैं ना, फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी फर्स्ट पेज पे आ जाती है, आपकी गिग रैंक हो जाती है। तो बस इस चीज पे, ये इन ट्रिक्स पे फोकस करें, ये